और दुनिया के सबसे बड़े युवा वर्दीधारी संगठन कहे जाने वाले राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का स्वतंत्र भारत में आज के दिन यानी 15 जुलाई 1948 को गठन हुआ। एनसीसी का ध्येय एकता और अनुशासन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एनसीसी कैडेट रहे हैं। 1.7 लाख छात्र कैडेटों के साथ हुई शुरुआत से आज इस संगठन में करीब 18 लाख कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पेश है संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट। संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत 15 जुलाई 1948 को एनसीसी अपने अस्तित्व में आई। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की शुरुआत 1.7 लाख छात्र कैडेटों के साथ हुई। 1949 में छात्रा कैडेटों को भी इसमें जोड़ा गया और 1950 में वायुसेना और 1952 में नौसेना स्कंध इसमें सम्मिलित किया गया। आज देश भर में राष्ट्रीय कैडेट कोर में करीब 18 लाख कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक एनसीसी कैडेट रहे हैं जो देश का सफल नेतृत्व कर रहे हैं। इसी तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एनसीसी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एनसीसी में आकर कैडेटों में नेतृत्व करने की क्षमता पैदा होती है जो उनके जीवन भर काम आती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का लक्ष्य कैडेटों को समाज के अच्छे नागरिक बनाने और उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योग्य और अग्रणी बनाने के लिए उनमें चारित्रिक गुणों का विकास करना है। एनसीसी का ध्येय एकता और अनुशासन है। देश में एनसीसी के कुल 17 निदेशालय हैं, जिसमें कैडेट सामाजिक कार्यों और सामुदायिक विकास की गतिविधियों में भी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एनसीसी को देश ही नहीं बल्कि दुनिया का भी सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन भी कहा जाता है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली।